हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जाएंगे, वो है एक्चुअली VTP, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो एक्चुअली VTP क्या होती है, मैं आप लोग के लिए मैंने पहले हम लोग समझाएंगे, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे VTP क्या होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं VTP के बारे में। तो देखिए, यह है हम लोग का VTP, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। सो व्हाट इज़ द VTP? यूज टू द सिंक्रोनाइज VLAN क्रिएशन बिटवीन द स्विचिंग। ये सिंक्रोनाइज होती है क्रिएशन द बिटवीन द स्विचिंग। इसके बाद तो जो देखिए, सिंप्लीफाइज द मैनेजमेंट ऑफ द VLAN। तो ये है व्हाट इज़ द VTP। तो एक्चुअली VTP के बारे में और भी मैं बोलना चाहता हूँ आप लोग के लिए। तो देखिए, तो ये है एक्चुअली है सिस्को लेयर 2 प्रोटोकॉल। जो ये जो हम लोग ने पहले हम लोग ने जो देख VLAN पर आए थे, तो मान लीजिए आपके एक स्विच के ऊपर VLAN कॉन्फ़िगर है, उस स्विच में आप VTP भी कॉन्फ़िगर कर देंगे तो आपको काम करने के, मैं बोलना चाहता हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो एक्चुअली जो क्या है, जो हम लोग ने मान लीजिए एक स्विच के ऊपर VLAN क्रिएट किया है, वो एक्चुअली क्या होता है, जो VLAN जो है उसको मैनेज करने के लिए ये यूज़ होता है VTP। मान लीजिए आपका एक बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारा स्विचेस है, वहाँ पर हम लोग VLAN को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं VTP के थ्रू। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं VTP के बारे में, तो VTP के ऊपर एक सर्वर एक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब VTP का जो मतलब 3 पार्ट है आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ जो VTP के बारे में। एक सर्वर मोड है, एक क्लाइंट मोड है, एक ट्रांसपेरेंट मोड है। हम लोग जाएंगे सर्वर मोड क्या है, क्लाइंट मोड क्या है, ट्रांसपेरेंट मोड क्या है, मैं आप लोग के लिए मैं बोलूँगा। पहले आप लोग जान लीजिए एक्चुअली जो VTP के साथ, VTP मान लीजिए कोई भी स्विच के ऊपर इम्प्लीमेंट है, जो उसके अंदर जो VLAN जो है वो स्विच के ऊपर, मतलब मेरा एक स्विच है, चलिए आप लोग के लिए मैं बोल देता हूँ, उस स्विच में बहुत सारे VLAN हैं। उस स्विच में हम लोग VTP को कॉन्फ़िगर कर देंगे तो क्या होगा, वो जो स्विच है वो एक सर्वर के जैसा एक्ट करेगा, और वो स्विच में जो VLAN है वो एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब स्विच में। इससे आपको काम करने में बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, जल्दी जल्दी काज भी हो जाएगा, हर स्विच में जाके आपको VLAN क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक्चुअली ये जो VTP का जो है, ये एक्चुअली सिस्को प्रोप्राइटरी स्विच के ऊपर ही काम करती है, ओनली सिस्को स्विचिंग वर्किंग। ये सिस्को स्विचिंग के आप लोग में है तो आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये VTP। आपके पास दूसरा ब्रांड का भी स्विच है, मान लीजिए जूनिपर वगैरह, ये सब वहाँ पर नहीं होती है। तो मान लीजिए आपको एनवायरनमेंट में 10 से 100 स्विचेस हैं, आपको पर स्विच में जाके एक VLAN क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसी तरह एक VLAN क्रिएट करेंगे हर एक स्विच के जाते, हर एक स्विच में जाने के बाद, ये तो बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा, आपको करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें हम लोग VTP को भी इम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या होगा, वो जो ट्रंक लिंक है वो ट्रंक लिंक के थ्रू VLAN को शेयर कर देगा बाकी स्विच में, मतलब बाकी जो स्विच है हम लोग का वो फ्लो हो जाएगा। इससे बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा आप लोग के लिए। और जो पोर्ट असाइन है, वो पोर्ट असाइन वो आप लोग को मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा, वो एक्चुअली क्रिएट नहीं होता, वो एक्चुअली मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए, मैंने आप लोग के लिए मैं छोटा सा डेफिनेशन दे दिया।
मतलब क्या होगा, वहाँ पर जब हम लोग बीटीपी में हम लोग तीन तरह से मोड है, एक सर्वर मोड, क्लाइंट मोड एंड ट्रांसपेरेंट मोड, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, देखते हैं। तो जो हम लोग जो जो मेन स्विच है वो है सर्वर स्विच। वो सर्वर स्विच से हम लोग बाकी जो स्विचेस है वो सब फ्लो हो जाएगा ट्रंक लिंक से। मतलब जो स्विच जो हम लोग ने विलेन क्रिएट किया है वो सब सर्वर स्विच में है। वो सर्वर स्विच से बाकी जितना क्लाइंट स्विच है वो फ्लो हो जाएगा। तो आपको ये बहुत ही काम इजीली हो जाएगा। बाकी और भी स्विचेस है उसमें हम लोग क्रिएट करने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो तो सर्वर स्विच से तो आ ही रही है मेरे पास। बस है आपको और एक काम करना पड़ेगा, जो पोर्ट ऐसा है ना वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, तो व्हाट इज़ द वीटीपी नॉट, नॉट ए रिक्वायरमेंट ईथरनेट नेटवर्क्स, एक पॉइंट है। एंड दूसरा जो पॉइंट है, डज नॉट द डिफाइन द ब्रॉडकास्ट। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों ने मैं बोल रहा था, तो दे आर डिफरेंट मोड ऑफ द ऑपरेशन, थ्री डिफरेंट मोड्स मोड्स ऑफ ऑपरेशन। एक है सर्वर मोड, एक क्लाइंट मोड, एक ट्रांसपेरेंट मोड। देखिए VTP version 1 एंड VTP 2 मॉडल्स, ये मॉडल्स हैं। तो थ्री डिफरेंस मोड्स ऑफ ऑपरेशन, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड, ट्रांसपेरेंट मोड। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो नेक्स्ट टॉपिक में ये है, देखिए VTP का सर्वर मोड, VTP का ये सर्वर मोड। सर्वर मोड में क्या है, ये एक्चुअली क्रिएट एंड डिलीट विलेंस। यहाँ पर हम लोग विलेन को डिलीट भी कर सकते हैं बा क्रिएट भी कर सकते हैं। और एडवर्टाइज विलेन, इस विलेन को जो हम लोग ने किया है वो एडवर्टाइज भी कर सकते हैं, वो एक्चुअली VTP के अपडेट्स। एंड जो जो लास्ट ऑप्शन जो है, इंस्टॉल विलेन्स फ्रॉम अदर एडवर्टाइजमेंट। मान लीजिए बाहर से कोई भी अपडेट आएगा तो ये ले लेगा। तो ये तीन पॉइंट हैं। फर्स्ट जो पॉइंट क्या है, हम लोग VTP सर्वर मोड में हम लोग कि विलन को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो एडवर्टाइज विलन्स, ये एक्चुअली VTP के अपडेट मोड। इसके बाद जो इंस्टॉल विलन्स फ्रॉम अदर एडवर्टाइजमेंट, ये बाहर से कोई भी अपडेट आएगा तो ये ले लेगा। इसका छोटा सा एक नोट है, चलिए मैं आप लोग के लिए बोल देता हूँ। दिस इज़ द डिफॉल्ट मोड ऑफ सिस्को कैटालाइजिंग स्विच। ये डिफॉल्ट ही रहती है। ये जो विलेन सेव्ड इन विलेन डेट फाइल इन फ्लैश मेमोरी, ये जो विलेन का जो सेव होती है ये विलेन डेट फाइल मेमोरी के अंदर होती है, ये जो फ्लैश मेमोरी के अंदर। ये रहा सर्वर मोड। सर्वर मोड में क्या है, हम लोग विलेन को किए डिलीट भी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट विलेन अपडेट फाइल आती है, VTP का अपडेट आती है। एंड देन जो लास्ट है, इंस्टॉल द विलेन्स फ्रॉम अदर एडवर्टाइजमेंट। बाहर से कोई भी विलेन आएगा तो ये अपडेट आएगा तो ये ले लेगा। चलिए आज जो ये फ्लैश मेमोरी रहती है ये iOS के अंदर रह जाती है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, देखिए ये VTP क्लाइंट मोड। क्लाइंट मोड क्या होती है, ये तो सर्वर मोड है, वो सर्वर के जैसा पहले जो था ये रहा सर्वर मोड, ये सर्वर के जैसा काम करेगा, ये है एक्चुअली क्लाइंट मोड। तो देखिए कैन नॉट क्रिएट बट डिलीट विलेन, यहाँ पर हम लोग कोई भी विलेन को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं बट डिलीट भी नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ भी कुछ नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट विलेन, ये एडवर्टाइज भी करती है। इसके बाद ये जो है जो नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है, इंस्टॉल द विलेंस फ्रॉम अदर एडवर्टाइजमेंट, इंस्टॉल द विलेंस फ्रॉम अदर एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर तीन पॉइंट है, ये एक है था आप लोग यहाँ पर कोई भी विलेन को डिलीट भी नहीं कर सकते बा क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट विलेंस, थर्ड
थर्ड जो ऑप्शन है, इंस्टॉल द VLANs फ्रॉम अदर एडवर्टाइजमेंट। ये रहा VTP को क्लाइंट मोड। और जो फर्स्ट था हम लोग का VTP को सर्वर मोड, सर्वर मोड पे हम लोग VLAN को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। एंड VTP के क्लाइंट मोड में हम लोग कोई भी VLAN को डिलीट भी नहीं कर सकते क्लाइंट मोड और क्रिएट भी नहीं कर सकते। इसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक में, ये रहा VTP का ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड क्या है कि देखिए, क्रिएट द लॉजिकली सिग्निफाइज द VLANs। जो ये है ये हम लोग को मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है, ये एक्चुअली मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। क्रिएट लॉजिकली सिग्निफाइज द VLANs, ये मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। इसके बाद ट्रांसपेरेंट फॉरवर्ड्स अदर VTP एडवर्टाइजमेंट। ये मान लीजिए आपके एनवायरनमेंट में 2-3 स्विचेस हैं, फर्स्ट जो स्विच है वो सर्वर स्विच है मान लीजिए, इसके बाद आपके एनवायरनमेंट में मान लीजिए 6 स्विचेस हैं। जो फर्स्ट एक नंबर जो स्विच है वो सर्वर मोड इज, और जो बाकी जो स्विचेस हैं वो एक्चुअली हम लोग के पास 5 स्विचेस था, 6 स्विचेस था, एक सर्वर मोड के लिए चल गया, जो बाकी था वो 5 स्विचेस। 5 स्विचेस में हम लोग 4 स्विच को एक सर्वर क्लाइंट की जैसा क्लाइंट देंगे, और बाकी जो RX स्विच है ये ट्रांसपेरेंट स्विच के लिए देंगे। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ जो क्या है, मतलब इसको ट्रांसपेरेंट फॉरवर्ड अदर VTP एडवर्टाइजमेंट, मतलब बाहर कोई भी स्विच से ये कुछ भी आएगा तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड कर देगा, ये अपने पास कुछ भी नहीं रखता, ये दूसरों को फॉरवर्ड कर देता है। इसके बाद जो ने लास्ट टॉपिक है, डज नॉट द इंस्टॉल VLANs फ्रॉम अदर एडवर्टाइजमेंट। ये एक्चुअली मैं क्या बोलता रहता हूँ, हाँ ये एक्चुअली मतलब ये अपडेट किसी को भी नहीं भेजता है। यहाँ पर हम लोग को VTP की ट्रांसपेरेंस के ऊपर कोई भी VLAN मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी सर्वर मोड से, जैसा हम लोग सर्वर मोड में VLAN बहुत सारा क्रिएट कर लिया, क्लाइंट मोड से ट्रंक लिंक से मतलब क्लाइंट स्विच के ऊपर आ गया, ट्रांसपेरेंट मोड में ये नहीं आएगा, ये आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद तो देखिए, इन दिस मोड VLAN सेव्ड इन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जो VLAN का जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल व्हिच इज द NVRAM स्टोर, NVRAM के ऊपर स्टोर होती है। तो चलिए इसके बाद VTP का तीनों जो पार्ट था मैं आप लोग के लिए मैं बोल दिया, ये रहा तीनों पार्ट। ये रहा फर्स्ट सर्वर मोड, सर्वर मोड में हम लोग कोई भी VLAN को भी क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, बाहर से कोई भी अपडेट आएगा तो ये ले लेगा। इसके बाद VTP का जो क्लाइंट मोड है, यहाँ पर हम लोग कोई भी VLAN को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते। इसके बाद VTP का ट्रांसपेरेंट मोड में जो है, जो लास्ट जो था, यहाँ पर आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा, और ये एक्चुअली और भी मैं बोलना चाहता हूँ, जो VTP का जो ट्रांसपेरेंट मोड है ये नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए यूज़ होता है। एक्चुअली ये इंटरफेस नेटवर्क में ज़्यादातर यूज़ होती है। मान लीजिए बहुत सारा स्विचेस है, आपको एक बड़ा सा कंपनी है वहाँ पर यूज़ होती है VTP ट्रांसपेरेंट मोड। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, VTP version 1 एंड VTP version 2। तो एक्चुअली ये कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ये थोड़ा सा देख भी सकते हैं, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। यहाँ पर ये टोकन लिंक सपोर्ट्स के लिए है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज टाइप लेंथ वैल्यू TLB सपोर्टेड, ये आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट खास चीज़ नहीं है।
जो BTP का जो खास चीज है ये वो सर्वर मोड, क्लाइंट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, ये रहा भी वर्जन डिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट मोड कंसिस्टेंसी चेक्स, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो इसके बाद देखिए, हाँ ये रहा मेन पार्ट। इसके बाद BTP को कॉन्फ़िगरेशन मोड में देखिए कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, और यहाँ पर जो देखिए फर्स्ट जो है सीक्वेंस नंबर ऑफ द डेटाबेस। सीक्वेंस नंबर ये डेटाबेस क्या होती है, ये एक्चुअली जो सीक्वेंस नंबर होती है ये ट्रैकिंग नंबर बोलती है, इसको ट्रैक नंबर बोलते हैं। जो सीक्वेंस जो है ये रहा सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब है एक ट्रैक नंबर, ये है ट्रैक नंबर। तो देखिए यहाँ पर सीक्वेंस नंबर फॉर द डेटाबेस, ये सीक्वेंस नंबर फॉर द डेटाबेस, और दूसरा जो है हाईएस्ट नंबर विंस, ये सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट नंबर्स विंस ये सबसे बड़ा नंबर है। और जो लास्ट में जो है डोमेन इज सिंक्रोनाइज व्हेन रिवीजन नंबर मैच अप द एवरीवेयर, ये सब स्विच के ऊपर BTP, जो BTP का जो एक डोमेन हम लोग क्रिएट करते हैं डोमेन नेम BTP। तो फर्स्ट हम लोग जो देखे थे, देखिए सीक्वेंस नंबर फॉर द डेटाबेस, सीक्वेंस का मतलब है एक ट्रैकिंग नंबर, ये एक्चुअली आप लोग बोल सकते हैं ये रिवीजन नंबर भी आप लोग बोल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। रिवीजन नंबर सीक्वेंस नंबर इस रिवीजन नंबर भी आप लोग बोल सकते हैं, मतलब ये जो ट्रैकिंग नंबर जो है ये सबको शो करती है। जो दूसरा नंबर में था हाईएस्ट नंबर विंस, ये सबसे बड़ा है नंबर। एंड जो थर्ड में जो है डोमेन इन द सिंक्रोनाइज व्हेन रिवीजन नंबर एवरीवेयर, जो सब मान लीजिए आपके एनवायरनमेंट में जब स्विच है उस स्विच को एक BTP सीक्वेंस नंबर आप बोल सकते हैं, रिवीजन नंबर जो है रिवीजन नंबर और सीक्वेंस नंबर एक ही है, चलिए कोई बात नहीं है। मान लीजिए सर्वर मोड्स में हम लोग 10 है, ट्रांसपेरेंट में 0 है एंड क्लाइंट मोड में भी 0 है, तो इस ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, चलिए बात नहीं। एक्चुअली फर्स्ट क्या है कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, सीक्वेंस नंबर फॉर द डेटाबेस, एंड जो दूसरा टॉपिक है हाईएस्ट नंबर विंस, एंड थर्ड जो है डोमेन इन सिंक्रोनाइज व्हेन रिवीजन नंबर मैचेस एवरीवन। तो इसके बाद हम लोग जो देखते हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम इन BTP, प्रॉब्लम भी कर सकते हैं कोई। तो एक्चुअली देखिए रॉन्ग द डेटाबेस वी हाई द कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर कैन ओवरराइट द डेटाबेस। ये देखिए ये यहाँ पर जो रिवीजन नंबर कोई टाइम में प्रॉब्लम कर जाती है ओवरराइट होने के लिए। इसके बाद ट्रू फॉर बोथ BTP सर्वर एंड क्लाइंट, ट्रू फॉर बोथ BTP सर्वर एंड क्लाइंट्स। इसके बाद रीजन दैट BTP वर्जन 1 BTP वर्जन 2 रियली यूज इन द प्रोडक्शन। एक्चुअली रीजन दैट BTP वर्जन 1 एंड BTP वर्जन 2 रियली यूज इन द प्रोडक्शन। तो ये रहा कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, रिवीजन नंबर का 3 पॉइंट है, ये पोटेंशियल प्रॉब्लम BTP का पोटेंशियल प्रॉब्लम का 3 पॉइंट है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखिए ये है BTP ऑथेंटिकेशन मोड। ऑथेंटिकेशन मोड क्या है, BTP को यूज फॉर द वैलिडेशन BTP अपडेट भेजती है एंड कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई द BTP पासवर्ड।
तो एक्चुअली जो BTP का जो एक पासवर्ड होती है, जो बोलते हैं हम लोग MD5 help, वो एक BTP का एक पासवर्ड होती है। ये हम लोग, मैं आप लोग को, मैं एक काम करता हूँ, मैं BTP का एक टोपोलॉजी क्रिएट कर देता हूँ एंटरप्राइज नेटवर्क में, BTP कैसी तरह से होती है। तो एक्चुअली यहाँ पर BTP के ऊपर पासवर्ड भी दे सकते हैं, कॉम्पेयर MD#Value। तो पहले हम लोग देख चुके थे BTP के बारे में, और भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो देखिए, ये व्हाट इज़ द BTP यूज टू द सिंक्रोनाइज VLAN क्रिएशन द बिटवीन द स्विचिंग एंड देन सिंप्लीफाइज द मैनेजमेंट ऑफ द VLANs। व्हाट इज द VTP नॉट? नॉट ए रिक्वायरमेंट इथरनेट नेटवर्क्स एंड डज नॉट डिफाइन द ब्रॉडकास्ट इंस्ट्रूमेंट। ओके, BTP का दो मोड है, सर्वर मोड, सॉरी तीन मोड है, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड, ट्रांसपेरेंट मोड। सर्वर मोड में क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, विलन को डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, एंड BTP को भी अपडेट भी आती है, एंड बाहर से भी कोई भी BTP का अपडेट आ जाते हैं तो ये ले लेगा। जो एक्चुअली ये सिस्को का बाई डिफॉल्ट डिफॉल्ट मोड में रहती है, एक्चुअली ये जो सिस्को स्विच के ऊपर ही काम करती है, जो BTP है ये एक्चुअली सिस्को कैटालिस्ट स्विच के ऊपर ही, सिस्को कैटालिस्ट स्विच के ऊपर ही होती है। जो विलेन का जो डेट फाइल है ये फ्लैश फाइल मेमोरी के अंदर रहती है। एंड BTP क्लाइंट मोड, BTP क्लाइंट मोड में जो है हम लोग का, वो यहाँ पर कोई भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, विलेन को डिलीट भी नहीं कर सकते, विलेन को भी क्रिएट भी नहीं कर सकते। हाँ, इसके बाद हम लोग एडवर्टाइजमेंट विलेंस एंड द इंस्टॉल द विलेंस फ्रॉम द अदर एडवर्टाइजमेंट एंड BTP ट्रांसपेरेंट मोड। देखिए, क्लियर लॉजिकली सिग्निफाइज द विलेन, ये एक्चुअली मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंट फॉरवर्ड्स अदर BTP डेटाबेस डेटाबेसमेंट, हाँ सॉरी BTP एडवर्टाइजमेंट, सॉरी एडवर्टाइजमेंट। ये मान लीजिए आपके पास कोई भी कुछ आया तो ये फॉरवर्ड कर देगा दूसरे स्विच को ये फॉरवर्ड कर देगा। इसके बाद डज नॉट इंस्टॉल VLANs फ्रॉम अदर एडवर्टाइजमेंट। ये जो ट्रांसपेरेंट मोड है ये कुछ कुछ भी अपडेट नहीं भेजता है दूसरे को भी। चलिए, इन दिस मोड VLAN सेव, ये जो विलेन होती है सेव होती है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, व्हिच इज़ द स्टोर, ये स्टोर NVRAM के अंदर। तो ये BTP वर्शन वर्शन 1 एंड BTP वर्शन 2, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये टोकनिंग वगैरह है, दो पॉइंट है, या BTP वर्शन 1 एंड BTP वर्शन मोड 2, मोड क्या है। जो नेक्स्ट जो हम लोग का जो है BTP कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर, ये सीक्वेंस नंबर फॉर द डेटाबेस, ये एक्चुअली जो सीक्वेंस नंबर है ये ट्रैकिंग नंबर है। इसके बाद जो हाईएस्ट नंबर विंस, ये सबसे बड़ा है। एंड देन जो लास्ट में है डोमेन इन सिंक्रोनाइज व्हेन रिविजन नंबर मैच एवरीवायर। ये सब मान लीजिए आपके स्विच के अंदर, क्या बोलूँगा इसके ऊपर, बहुत सारा स्विचेस है वहाँ पर। मान लीजिए अब आपके पास बहुत सारा स्विचेस है, इस स्विच के अंदर जो BTP को एक डोमेन रहती है, वो डोमेन एंड दैट व्हेन रिविजन नंबर मैच। इसके बाद हम लोग पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल प्रॉब्लम BTP, BTP को भी कोई कोई प्रॉब्लम आती है, रॉन्ग द डेटा बेस, हाई कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर कैन ओवरलोड ओवरराइट द डेटा बेस एंड थ्रू फॉर बोथ BTP सर्वर एंड क्लाइंट्स एंड रीजन दैट BTP वर्शन 1 एंड BTP वर्शन 2 रियली यूज इन प्रोडक्शन। जो ट्रांसपेरेंट मोड है एक्चुअली ये नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए यूज़ होता है, और एक्चुअली ये जो यहाँ पर यूज़ होती है एक्चुअली एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर
ज़्यादातर से यूज़ होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब VTP का ट्रांसपेरेंट मोड। VTP ऑथेंटिकेशन यूज फॉर द वैलिडेशन फॉर VTP अपडेट्स, VTP अपडेट भेजती है। कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाइंग द VTP पासवर्ड, ये एक्चुअली MD हैश फाइल को कंपेयर कर देते हैं, जो MD5 का जो पासवर्ड है ये कॉम्प्रेस कर देती है। ये हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे, तो पहले हम लोग देख लेते हैं VTP को जो एंटरप्राइज नेटवर्क में कैसी होती है VTP के। तो चलिए मैं आप लोग के लिए मैं एक काम कर देता हूँ VTP को कैसे होती है। तो चलिए मैं और भी ये रिविजन नंबर मैं आप लोग के लिए मैं बोल दूंगा रिविजन नंबर क्या होती है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोग के लिए मैं एक छोटा सा एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं तब तक मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप रख देता हूँ, आपकी मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हाँ दोस्तों मैं आप लोग के लिए मैं एक छोटा सा एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लिया। तो देखिए जो ये रहती है एक्चुअली एंटरप्राइज नेटवर्क में डिज़ाइन, तो डिज़ाइन क्या है मैं आप लोग को मैं बोल देता हूँ। तो देखिए ये है, ये दोनों जो है ये सर्वर स्विच है, सर्वर स्विच को हम लोग कोर स्विच भी कर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों सर्वर स्विच है मान लीजिए, और बाकी जो तीन जो स्विचेस हैं ये एक्चुअली क्लाइंट स्विच है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया क्लाइंट स्विच, और जो ये वाला जो स्विच है ये स्विच है ट्रांसपेरेंट स्विच, इसको हम लोग अलग से रखते हैं। तो बाकी जो ये जो सारा जो पोर्ट है ये देखिए ऐसी तरह से डिजाइनिंग होती है एंटरप्राइज नेटवर्क में, हर एक के साथ हर एक स्विच, हर एक के साथ हर स्विच स्विच, और इस स्विच के साथ जो नीचे जो बत्ती है एक PC बा लैपटॉप यहाँ से कनेक्ट होती है इस स्विच से। तो यहाँ पर जो ये जो कनेक्शन है ये हम लोग ट्रंक पोर्ट कनेक्शन करेंगे, ट्रंक कनेक्शन करेंगे, स्विच टू स्विच ट्रंक कनेक्शन है। ये हर पोर्ट में हर जो ये पोर्ट है ये सब जो पोर्ट है इस स्विच यहाँ पर हम लोग ट्रंक कनेक्शन करेंगे। ऐसी तरह होती है हम लोग को एंटरप्राइज नेटवर्क में डिज़ाइन। तो मैं और भी एक डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ आप लोग के लिए। चलिए मैं आप लोग को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो हैश वैल्यू था, हैश वैल्यू क्या था मान लीजिए आपके यहाँ पर, मान लीजिए विलन बहुत सारा विलन चलिए, मान लीजिए यहाँ पर विलन 10, विलन 50, 60, यहाँ पर भी बहुत सारे विलन चलिए, मान लीजिए कोई भी स्विच इन दोनों में से एक प्रॉब्लम आ गया, मान लीजिए एक खराब हो गया, एक डैमेज हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये वाला स्विच हम लोग को बैठ गया तो इसके लिए तो टोटल नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो मान लीजिए मेरा ऑफिस में एक स्विच है उसको खोल के वो वाला जो है उसको लगा देते हैं, तो उसको लगा देंगे तो क्या होगा, पहले उस स्विच में बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन था, तो उस स्विच में मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए विलन 50 से लेके 80 तक इस स्विच में एक विलन चल रही है, चलिए इतना सारा विलन यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर जो चल रही है विलन 100 से 150 से, यहाँ पर ये इन दोनों विलन चल रही है। आज जो नया स्विच हम लोग लेके आए हैं घर में, जो मतलब जो स्विच ऑफिस में था वह पर मान लीजिए विलन आपको 5000 था, ये रहा हम लोग को 5000। जब भी इसको खोल के ये वाला जो स्विच है इसको यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे तो क्या होगा, सारा जो विलन है हम लोग को ये रिमूव हो जाएगा, रिमूव होके क्या होगा ये जो विलन फिर 500 है ये सबके स्विच के ऊपर ये बढ़ जाएगा, बस आपका काम हो गया तमाम, ये टोटल नेटवर्क को प्रॉब्लम कर देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है एक्चुअली आपके पास कोई भी पुराना स्विच होगा तो पहले आपको उसको रिविजन नंबर कुछ भी
वहाँ पर रहेगा तो क्या करेंगे, उसको पहले आपको जीरो करने जीरो कर लेना पड़ेगा। जीरो करने के बाद आपका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में आप कनेक्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा मान लीजिए। नहीं तो आपको ये मैंने आपको अभी अभी बोला जो ये 5000 जो विलन है वो आप लोग के पास जो विलन था वो सारा सब कुछ डिलीट हो जाएगा, डिलीट होके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा नेटवर्क को, इंजीनियर को भी, बस काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको पास कोई भी पुराना ओल्डेस्ट स्विच होगा तो क्या होगा, पहले आपको रिविजन नंबर चेक करना पड़ेगा। रिविजन नंबर चेक करने के बाद उसको रिविजन नंबर जो है जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने के बाद हम लोग उस नेटवर्क में वो जो स्विच है स्विच को हम लोग कनेक्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। ये रहा एक छोटा सा एंटरप्राइज नेटवर्क के बारे में मैंने टोपोलॉजी की बोला है। मैं आप लोग के लिए मैं और भी एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं तब तक मैं वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप रखना चाहता हूँ, मैं आके मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों तो चलिए, हाँ दोस्तों मैं आप लोग के लिए मैं एक छोटा सा और भी एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर टोपोलॉजी थोड़ा सा चेंजेस है। तो देखिए ये है हम लोग को सर्वर स्विच, ये रहा हम लोग को ट्रांसपेरेंट स्विच, ये रहा क्लाइंट स्विच। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ने ये पीसी कनेक्टेड है तो के साथ यहाँ पर हम लोग मान लीजिए वीलैन 10 हम लोग को क्रिएट किया, तो क्या होगा इस स्विच से, सॉरी हम लोग क्या करेंगे इस स्विच को, इस स्विच से ये विलन डेटा फॉरवर्ड हो जाएगा। तो क्या होगा इस स्विच में आने के बाद यहाँ पर देखो, मैंने आप लोग के लिए मैं बोल दिया था पहले ही, देखिए हम लोग जो विलन क्रिएट करेंगे सब सब कुछ या सर्वर स्विच के ऊपर करेंगे, कोर क्लाइंट स्विच के ऊपर भी नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंट स्विच के ऊपर भी हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो एक्चुअली क्या है, मान लीजिए आप विलन को यहाँ से कुछ आप लोग ने डेटा भेजा, मान लीजिए इसके साथ ये कनेक्शन करना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ से हम लोग ने इसको पैकेट भेजा विलन टेंट को, यहाँ पर जाके ये जो पैकेट है यहाँ पर ये ड्रॉप्ड हो जाएगा। क्यों ड्रॉप्ड हो जाएगा, यहाँ पर एक्चुअली ट्रांसपेरेंट स्विचेस हैं। ट्रांसपेरेंट स्विच का क्या है, यहाँ पर तो हम लोग ने विलन को कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं आती है ना ट्रांसपेरेंट स्विच में, यहाँ पर आके ये पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। तो क्यों ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर से ड्रॉप होने के बाद ये पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, इससे पहले तो हम लोग नहीं जा सकते है ना। यहाँ पर आप लोग पहले से ही विलन 10 यहाँ पर मैनुअली हम लोग क्रिएट कर चुके थे, क्रिएट कर लेंगे तो क्या होगा ये इस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा इसके इस पोर्ट में, इस पोर्ट से ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा क्लाइंट स्विच के ऊपर। ये ऐसे क्या हो जाएगा, जो विलन जो हम लोग को जो टैग है विलन टैग को रिमूव करके और डेटा को पीसी के थ्रू पहुंचाया जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जो विलन का जो है विलन इसके एक डेटा टैग होती है और डेटा टैग फॉरवर्ड कर देती है इसको, जो विलन आईडी है वो एक्चुअली रिमूव नहीं करता। यहाँ पर एक विलन आईडी होती है, मान लीजिए जो इसके जो विलन है 10 इसके स्पेस डेटा, ये रहा हम लोग का डेटा इस पीसी से इस कोड स्विच के ऊपर चल गया, ये ट्रांसपेरेंट स्विच है। यहाँ पर बाय डिफॉल्टली ये मैनुअली हम लोग को विलन क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैनुअल क्रिएट करने से इस विलन से जो क्लाइंट स्विचेस है यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। और भी ये मान लीजिए ये ट्रांसपेरेंट स्विचेस है, तो ये क्लाइंट स्विचेस होता तो क्या होगा, इससे डायरेक्टली ये कनेक्टेड तो था ही और इससे ये पास कर देता है इसको, और ये जो कनेक्शन है और ये जो कनेक्शन है ये ट्रंक कनेक्शन होगा, ट्रंक
ट्रंक कनेक्शन होगा। ट्रंक कनेक्शन नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो डेटा भेजता है तो प्लस विलेन प्लस डेटा, और जो विलेन आईडी होती है ये रिमूव नहीं होता है विलेन आईडी। और ये जब ये डेस्टिनेशन सोर्स से जब डेस्टिनेशन इसको जाती है जो विलेन टैग होती है विलेन टैग को रिमूव कर करके वो डेटा यहाँ पर भेजती है इस पीसी में। यहाँ पर विलेन आई टैग होके रिमूव होने के बाद यहाँ पर पीसी के ऊपर जाती है। और यहाँ पर मान लीजिए ये तो क्लाइंट स्विच होगा तो ये फॉरवर्ड कर देगा। मान लीजिए क्लाइंट स्विच में क्या है, क्लाइंट स्विच के तो सर्वर स्विच में तो हम लोग ने विलेन तो क्रिएट कर लिया, वहाँ से तो ये फ्लो हो रही है ना, बाकी जो जितना क्लाइंट स्विचेस है उस सब स्विच के ऊपर ये विलेन फ्लो हो रही है। ट्रांसपेरेंट स्विच में तो नहीं आ रही है ना, ट्रांसपेरेंट स्विच में क्या हो जाएगा, ये आपको मान लीजिए जो ट्रांसपेरेंट स्विचेस है ये ट्रांसपेरेंट स्विच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके ड्रॉप्ड हो जाएगा। यहाँ पर ड्रॉप होने के बाद ये क्या होगा, ये तो इसको तो भेज नहीं सकते है ना। यहाँ पर मान लीजिए आपको पहले से ही मैनुअली हम लोग विलेन क्रिएट कर चुके हैं, करना पड़ेगा। इसके बाद विलेन मैनुअली क्रिएट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इससे जो दूसरा जो स्विच है जो हम लोग का जो क्लाइंट स्विचेस है यहाँ पर हम लोग को पहुँचाया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग विलेन जो टैग होती है यहाँ पर जो टैग सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए विलेन आईडी एंड डेटा, जो विलेन आईडी होती है वो रिमूव नहीं होती है। एंड देन यहाँ पर जब आती है यहाँ पर जो डेटा जो पैकेट पहुँचती है इसके बाद जो विलेन रिमूव विलेन जो टैग रिमूव करके डेटा को भेजती है यहाँ पर। ये ट्रांसपेरेंट स्विच में हम लोग कोई भी अपडेट नहीं आती है। तो आप लोग को थोड़ा सा पता चल गया होगा कैसे बीटीपी को हम लोग मैनेज करते हैं, एक भी बहुत भी काम को आसान करने के लिए सर्वर मोड क्लाइंट स्विच एंड ट्रांसपेरेंट स्विच के थ्रू। तो दोस्तों तो ये रहा छोटा सा डेफिनेशन था बीटीपी के बारे में। तो एंड देन जो लास्ट जो टॉपिक था हम लोग का MD5 वैल्यू क्या है। MD5 वैल्यू आप लोग के लिए मैं आप लोग के लिए और भी मैं बोलना चाहता हूँ, जो MD5 वैल्यू है ये प्रोटेक्ट करती है, एक्चुअली ये पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देती है। तो इसलिए थोड़ा सा BTP को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देती है, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मिल जाते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो इसलिए हम लोग हर स्विच में जाके पासवर्ड दे देते हैं जो वो एनक्रिप्टेड होती है MD5 वैल्यू, और MD5 वैल्यू सर स्विच में सेम रहना पड़ेगा। सर सब स्विच में सेम नहीं होगा तो क्या होगा, पासवर्ड मिसमैच हो जाएगा। वो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में कैसे हम लोग पासवर्ड को मिसमैच करते हैं। और सेम रहेगा तो MD5 जो वैल्यू जो है सब स्विच में सेम दिखाएगा। आप कोई भी स्विच में मान लीजिए गलत पासवर्ड दे दिया, हम लोग ने आप लोग के लिए मैं दिखाऊंगा कैसे हम लोग गलत पासवर्ड दे दिया उसको हम लोग कैसे रिकवरी करते हैं। जो उसका जो हैश फाइल है जो मतलब जो वो चेंज हो जाएगा, तो वहाँ से हम लोग ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं जो हाँ इस स्विच में गलत VTP का पासवर्ड दिया है इसलिए ये प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मिसमैच हो रही है पासवर्ड। तो ये इससे भी हम लोग देख सकते हैं। जो विलेन का जो डेट फाइल होती है वो फ्लैश मेमोरी के अंदर तो रहती है, और उस फाइल को विलेन डेट फाइल को भी हम लोग डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, सारा जो जितना सारा स्विचेस है वो सब स्विच डिलीट हो जाए। फिर से हम लोग रिलोड कर देंगे तो क्या होगा, सारा जो जितना सारा हम लोग का विलेन था कॉन्फिगर विलेन था वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। हम लोग फिर से विलेन को एक क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, वो विलेन जो डेट फाइल है फिर से आ जाएगा। ये हम लोग इंटरप्राइज नेटवर्क में कभी भी नहीं करेंगे, नहीं तो काम का बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो ये रहा MD5 वैल्यू के बारे में। हम लोग ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो देखेंगे। तो VTP के बारे में तो आप लोग को मैं बोल दिया, और जो हैश वैल्यू है, हैश वैल्यू का क्या है, जो जो भी आप लोग के पुराना स्विच होगा तो ऑफिस में पड़ा हुआ रहेगा, तो पहले हम लोग उसको जो रिविजन नंबर है उसको पहले जीरो कर लेना पड़ेगा। जीरो करने के बाद हम लोग उसको नेटवर्क में कनेक्टेड करेंगे। उसको नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं कर, जीरो करके हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसको वहाँ पर जो कुछ भी कॉन्फ़िगर है, VTP है, विलेन जो है, जो उसमें फ्लो कर देगा सारा स्विच के ऊपर, सारा स्विच के ऊपर फ्लो कर देगा, तो क्या होगा, हम लोग का जो विलेन था वो सारा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और जो जो पुराना स्विच में जो था विलेन वो सारा स्विच में आ जाएगा। हम लोग का जो था वो तो डिलीट ही हो गया, कॉन्फ़िगरेशन भी जो था वो भी डिलीट हो जाएगा, आ जो पुराना स्विच में जो था वो सारा स्विच में, ये टोटली जो जितना सारा स्विच है हम लोग के इंटरफेस नेटवर्क में, जो सर्वर के साथ क्लाइंट स्विचेस से वो कनेक्टेड है एंड ट्रांसफर, वो क्या होगा, उसमें सारा सब कुछ ट्रंक लिंक से ये फ्लो हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए तो हम लोग रिविजन नंबर चेक करके फिर से इसको नेटवर्क में कनेक्टेड करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का VTP का 3 मोड था, क्लाइंट मोड, सर्वर मोड, ट्रांसपेरेंट मोड, क्लाइंट स्विचेस। तो और ये रहा हम लोग का VTP को अपडेट मोड। तो VTP कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर ये रहा हम लोग का रिवीजन नंबर, आप लोग को मैं बोल दिया है। तो इसके बाद हम लोग ये VTP का वर्शन 1, VTP 2, वर्शन 2, VTP का ट्रांसपेरेंट मोड में हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते, ये एक्चुअली टोटली मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पर कोई भी VTP का अपडेट नहीं आती है, ये खुद से मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। ये अपडेट आती है तो क्या होती है, दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं, और ये अपडेट नहीं भेजती है किसी को भी। ये VTP क्लाइंट मोड है, यहाँ पर हम लोग कोई भी डिलीट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी होती है, सारा सब कुछ होती है यहाँ पर। तो बाहर से कोई भी अपडेट आ जाएगा, तो मान लीजिए बाहर में कोई भी और एक स्विच लगा हुआ, तो ये ओनली फॉर उस स्विच का ही, मान लीजिए आपके एनवायरनमेंट में 3 स्विचेस व 4 5 स्विचेस था, 5 स्विचेस में ये रहा एक स्विच, ये रहा एक स्विच, 2 3 4 5, तो ये रहा सर्वर मोड, ये तीनों रहा क्लाइंट मोड, और ये रहा ट्रांसपेरेंट मोड। इसके साथ ये सब सब कनेक्टेड है। मान लीजिए और एक नया स्विच आ गया, रिक्वायरमेंट बढ़ गया, इन लोग भी बढ़ गया काम करने का जो लोग हैं, तो ये इसके साथ ये स्विच में कनेक्टेड है, तो क्या होगा, इसका जो अपडेट है इसको अपडेट को यहाँ पर भेज देगा। तो ये होते हैं, इसलिए इंस्टॉल द विलेंस फ्रॉम अदर एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों ये विलेन के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ लिया। विलेन का जो एक्चुअली जो मैंने आप लोग के पहले ही नहीं बोला था, जो एक्चुअली जो ये मैनेज करती है, विलेन को भी मैनेज करती है, ये बड़ा नेटवर्क में बहुत फ़ायदेमंद होती है। बड़ा नेटवर्क में इसको हम लोग VTP को अप्लाई करेंगे सर्वर मोड में, तो विलेन को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एंड देन VTP के साथ VTP के जो है हम लोग जो जिस में VTP को हम लोग कॉन्फ़िगर किया है, और उसमें विलेन होगा तो क्या होगा, वो स्विच एक सर्वर के जैसा एक काम करेगा, और वो जो विलेन है हम लोग सारा जो जितना सारा क्लाइंट स्विचेस है, क्लाइंट स्विच में हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने आप से। और ये एक्चुअली सिस्को स्विच के ऊपर ही अवेलेबल होगा, बाहर के स्विच में नहीं होता है अभी भी। और जो
बहुत सारा स्विच में आप लोग मान लीजिए आपका एनवायरनमेंट में बहुत सारा स्विच है, हर स्विच में जाके एक विलेन क्रिएट करना बहुत डिफिकल्टी पेपर हो जाएगा, हो जाती है। तो वहाँ पर हम लोग बीटीपी को भी अप्लाईमेंट कर देंगे तो क्या होगा, बहुत असाइनमेंट होगा। वो ट्रंक लिंक से बाकी जो क्लाइंट से स्विचेस है उसको भेज देगा, तो इसलिए बहुत सारा फायदेमंद हो जाएगा। एंड आपका जो पोर्ट असाइन है वो आपको मैनुअली असाइन करना पड़ेगा, जो पोर्ट असाइन है ये आपको मैनुअली असाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा थोड़ा सा बीटीपी के बारे में डेफिनेशन। तो ये दोनों जो है आप लोग थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए, बीटीपी वर्शन 1, बीटीपी वर्शन 2 का जो ये मॉडल्स है, टोकन रिंग सपोर्ट एंड अनरिकॉग्नाइज्ड टाइप लेंथ वैल्यू सपोर्टेड एंड देन वर्शन डिपार्टमेंट ट्रांसपेरेंट मोड एंड द कंसिस्टेंसी चेक्स, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। ये दोनों इतना कुछ खास नहीं है, जो मेन मेन जो खास है ये है बीटीपी हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, अब बीटीपी का करने के लिए क्या ज़रूरत है। ये अब बीटीपी का तीनों पार्ट है, सर्वर क्लाइंट ट्रांसपेरेंट, बीटीपी सर्वर मोड में क्या क्या होती है एंड क्लाइंट मोड में क्या होती है एंड ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होती है, और इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, डिवीजन नंबर क्या, ऑथेंटिकेशन नंबर, जी ये है ऑथेंटिकेशन नंबर MD5 हैश वैल्यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो ये BTP का थोड़ा सा आप लोग ने डेफिनेशन देख लिया एंड एंटरप्राइज नेटवर्क को बारे में थोड़ा सा और भी जान लिया आप लोग ने, कैसे डिजाइनिंग होती है एंटरप्राइज नेटवर्क के, BTP के ऊपर, VLAN के ऊपर कैसे ये डिज़ाइन होती है, मैंने आप लोग के लिए दोनों डिज़ाइन करके दिखाया। तो इसके बाद BTP को हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो BTP को हम लोग कैसे प्रैक्टिकल में देखते हैं, ये पहले हम लोग इसके ऊपर BTP का जो प्रैक्टिकल है ये 2-3 प्रैक्टिकल होगा मेरे हिसाब से। मैं आप लोग के लिए BTP को कैसे होती है सर्वर मोड, क्लाइंट मोड एंड ट्रांसपेरेंट मोड, तो मैं आप लोग के लिए मैं दिखाऊंगा सारा सब कुछ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, प्लीज़ मोर सब्सक्राइबर माय चैनल, मैं आप लोग के लिए मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। और दोस्तों मेरा जो फेसबुक का जो पेज है नेटवर्किंग गुरु जी के नाम से ही है, नेटवर्किंग गुरु जी के नाम से ही है, और यूट्यूब पे जाके आप नेटवर्किंग गुरु जी सर्च कर सकते हैं, या पर ओनली फॉर सिस्को डिवाइसिंग के ऊपर ही सिस्को का जो है CCNA, CCNP एंड CCI का वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है। तो यहाँ पर हम लोग अभी भी CCNA कवरेज कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग CCNP भी कवरेज करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।